हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज तारीख हो चुकी है 23 सितंबर 2022 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर, इसके साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही सीरीज टी20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग भी 8 काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये निकल कर आ रही है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की तरफ से, जहां पर सौरव गांगुली ने आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग कल बहुत सारी अनाउंसमेंट की है, जहां पर सबसे बड़ी और सबसे मेजर अनाउंसमेंट इनके द्वारा की गई है कि आईपीएल 2023 में इस साल यानी कि 2023 से आप लोगों को होम और उसके साथ ही अवे मुकाबले वापस से रिटर्न करते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि आईपीएल में हर एक टीम जो कि 14 मुकाबले खेलते हुए नजर आती है, वो अब 7 मुकाबले अपने घर पर खेलेगी और 7 मुकाबले अवे मैचेस, जैसे कि पहले होता था, जैसे कि एमआई की टीम वानखेड़े में 7 मुकाबले खेलेगी और बाकी के 7 मुकाबले किसी दूसरे जो आईपीएल की फ्रेंचाइज है उनके होम ग्राउंड पर जाकर खेलने वाली है। तो इस तरीके से आईपीएल 2023 के लिए ऑलरेडी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की जा चुकी है। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं आईपीएल के होम और अवे मुकाबलों को वापस से देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 T20 मुकाबलों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज हमें देखने को मिलने वाला है। और ऐसे में ये जो मुकाबला होगा, ये सीरीज के लिए डिसाइडर का काम भी करेगा, क्योंकि अगर भारत की टीम इस मुकाबले में हार जाती है तो फिर भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज को यहीं पर हार जाएगी और टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की टीम के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। टीम चेंजेस की बात की जाए तो इस मुकाबले में एक्सपेक्टेड है कि भारत की टीम में आप लोगों को उमेश यादव की जगह जसप्रीत बुमराह रिटर्न करते हुए देखने को मिला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भुवनेश्वर या फिर हर्षल पटेल को बाहर क्यों नहीं किया जा रहा, तो क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में भी यही बॉलर खेलने वाले हैं, तो अब कुछ नहीं हो सकता। टीम आपकी ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो आपको उनको बैक करना ही पड़ेगा। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार और उनके साथ ही हर्षल पटेल दोनों ही बैक किए जाएंगे और उसके साथ ही जसप्रीत बुमराह का आप लोगों को रिटर्न देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है एक अजीब ही चीज हमें देखने को मिली, जहां पर तीसरा टी20 मुकाबला जो कि हमें हैदराबाद में देखने को मिलने वाला है, तो वहां पर उस टी20 मुकाबलों की टिकट्स जो कि ऑफलाइन टिकट्स होती हैं उससे पहले बहुत ही अजीब चीजें होते हुए देखने को मिली, जहां पर बिल्कुल भी अच्छे तरीके से इसको हैंडल नहीं किया गया वहां की अथॉरिटीज के द्वारा। दरअसल टिकट्स को सिर्फ 10 मिनट के बाद ही बंद कर दिया गया था, जिसके बाद लोग वहां पर सुबह से वेट कर रहे थे, 3-4-5 बजे से ऑलरेडी वो गेट्स पर जाकर बैठ गए थे। तो ऐसे में जब 10 मिनट में ही टिकट्स को बंद कर दिया गया, तो उसके बाद लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया था और उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद उन लोगों के साथ वायलेंस भी हुई है, उनके ऊपर काफी ज्यादा लाठीचार्ज भी हमें देखने को मिला है। तो इसके बाद हालांकि उनकी साइड से माफी मांग ली गई है इस मैटर को लेकर, लेकिन फिर भी टिकट्स के रिगार्डिंग ये जो चीज हुई है काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट थी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है मिनी आईपीएल के रिगार्डिंग। मिनी आईपीएल का ऑक्शन अब हमें कंप्लीट होते हुए देखने को मिल चुका है, यानी कि मिनी आईपीएल की जो 6 की 6 टीमें हैं उन सभी का स्क्वाड भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, और ऐसे में अब बारी है मिनी आईपीएल की सभी टीमों की जर्सी लॉन्च की। दरअसल जब इन टीमों को आईपीएल की टीमों के द्वारा खरीदा गया था, तो उसके हिसाब से हमें एक्साइटमेंट थी काफी ज्यादा, लेकिन इनके जो लोगो थे इसके साथ ही जो नाम है वो बिल्कुल ही आईपीएल के बेसिस पर रखा गया है। खैर, इसका रीजन भी यही है कि आईपीएल की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया जा सके। तो ऐसे में इनकी जर्सी भी क्या आईपीएल से इंस्पायर्ड होगी या फिर इनकी जर्सी में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये तो तभी पता चलेगा जब इनकी जर्सी ड्रॉप होगी। खैर, जैसे ही इनकी जर्सी ड्रॉप होगी और इनका जो जर्सी ड्रॉप होने का इवेंट होगा वो हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को लाइव दिखाएंगे। तो अभी फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। भारत की जो टी20 वर्ल्ड कप की जर्सी लॉन्च है वो भी हमने आपको वहां पर लाइव दिखाया था, इसके साथ ही मिनी आईपीएल का ऑक्शन भी हमने आपको लाइव दिखाया था। तो अभी फटाफट हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी को भारत की टीम का नया हेड कोच बनाने को लेकर। दरअसल ये डिमांड अभी की नहीं है बल्कि पिछले काफी टाइम से चली आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि जब तक MSD भारत की टीम के साथ थे तब तक भले ही काफी ज्यादा ट्रॉल उनको भी किया जाता था उस टाइम पर, लेकिन MSD की कैप्टनसी में भारत का जो परफॉर्मेंस था वो काफी हद तक बहुत ही बेहतर था, जो कि हमें अभी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में MSD की कोचिंग को लेकर भी काफी सारी बातें बोली जाती हैं। MSD ने भी मेंटोर बनने का जो डिसीजन था वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था, तो ऐसे में अगर उनको हेड कोच का ऑफर दिया जाता है तो काफी हाई चांसेस हैं कि शायद MSD भारत की टीम के हित को ध्यान में रखते हुए इसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो ऐसे में राहुल द्रविड़ की जो कोचिंग है वो आप लोगों को टी20 वर्ल्ड कप तक, हो सकता है कि उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन हमें होते हुए देखने को मिले अगर भारत की टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर पाती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग महेंद्र सिंह धोनी को भारत की टीम का नया हेड कोच बनते हुए देखना चाहते हैं या फिर नहीं।
नहीं, आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से। और सीएसके के फैंस जिस चीज़ का इंतजार कर भी रहे थे और नहीं भी कर रहे थे, वो चीज़ लग रहा है कि इस बार होने वाली है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो लास्ट ईयर का आईपीएल, तो वहां पर एमएसटी से पूछा गया था कि क्या ये उनका आईपीएल का आखिरी सीजन है, तो उसका रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा था कि वो अपने आईपीएल का आखिरी सीजन तभी मानेंगे जब वो चेन्नई की क्राउड के सामने खेलेंगे, इसके साथ ही वो पूरी इंडिया की क्राउड के सामने खेलेंगे, जिससे कि एक तरीके से वो फेयरवेल हो जाएगी उनके लिए। तो ये वो आईपीएल है जिसमें अनाउंसमेंट हो चुकी है होम और अवे मैचेस की। चेन्नई इसका मतलब है 7 मुकाबले चेपॉक में खेलने वाली है, इसके साथ ही बाकी के 7 मुकाबले वो जितने भी बड़े बड़े ग्राउंड है जैसे बेंगलोर, वानखेड़े, जितने भी आइकॉनिक ग्राउंड है वहां पर सारे मैचेस होंगे। तो ऐसे में क्या एमएसटी इस आईपीएल के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं? सीएसके के फैंस तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि एमएसटी का लास्ट आईपीएल हो, बल्कि कोई भी नहीं चाहेगा कि एमएसटी हमें क्रिकेट छोड़कर जाते हुए नजर आए। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों का क्या ओपिनियन है एमएसटी के इस डिसीजन के बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारी आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है विमेंस आईपीएल को लेकर, जहां पर कल सौरभ गांगुली के द्वारा ना सिर्फ आईपीएल के मेंस आईपीएल में इतनी सारी अनाउंसमेंट की गई, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने विमेंस आईपीएल को लेकर भी क्लियर आउट कर दिया है कि विमेंस आईपीएल इसी साल से वो स्टार्ट कराने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर आईपीएल 2023 से पहले मार्च के महीने में विमेंस आईपीएल को स्टार्ट करवाने की तैयारी है, जहां पर करीब 20 से 25 दिन की विंडो विमेंस आईपीएल को दी जाएगी और इसके साथ ही इसमें 6 विमेंस टीम आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। ऐसे में उन्होंने सभी आईपीएल की फ्रेंचाइज के ओनर से ये भी रिक्वेस्ट की है कि वो विमेंस आईपीएल में चाहें तो अपनी टीमों को ज्यादा से ज्यादा उनको खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग आईपीएल के मेंस टीमों का फैन बेस देखें तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे में अगर आप लोग इमेजिन करो कि आरसीबी, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, अगर इन्होंने विमेंस आईपीएल की टीमें खरीद ली तो काफी हद तक व्यूअरशिप को बूस्ट मिलेगा जो कि अदरवाइज शायद हमें देखने को ना मिले। मतलब अगर आप कुछ ऐसी टीम बना दोगे नई जिसका फैन बेस बिल्कुल जीरो है, तो शायद वो उतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आईपीएल की टीमें खरीदेंगी तो उस हिसाब से आईपीएल के जो फैंस हैं वो वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ज्यादा रिवेन्यू जनरेट होगा। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कोई आईपीएल की फ्रेंचाइज हमें विमेंस आईपीएल में टीमें खरीदती हुई नजर आती है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है आईपीएल की नीलामी को लेकर भी एक अनाउंसमेंट कर दी गई है, और ये अनाउंसमेंट है नंबर ऑफ प्लेयर्स को लेकर। दरअसल इस बार हमें मिनी आईपीएल देखने को मिलने वाला है, और ऐसे में इस मिनी आईपीएल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हमें देखने को मिलते थे वो लास्ट ईयर तक करीब 252 होते थे, लेकिन गाइस इस बार अनाउंसमेंट कर दी गई है कि ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं मिनी आईपीएल होने के बावजूद। ऑक्शन की ड्यूरेशन को भी इस बार बढ़ाने की प्लानिंग की गई है, और इसके साथ ही अब की बार का जो ऑक्शन हम लोगों को देखने को मिलने वाला है उसमें प्लेयर्स को 100 बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि करीब करीब 350 प्लेयर्स आप लोगों को इस नीलामी का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।